एक बेकरी के बाहर, और हर मुल्क का एक अपना जो है वो कल्चर होता है, उनके अपने खाने होते हैं और उनकी अपनी जो है वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, स्पेशलिटीज़ होती हैं। तो इसी तरह जर्मनी में भी जो है वो सबसे ज़्यादा जो स्पेशल चीज़ होती है वो इनकी ब्रेड्स होती हैं, जिससे इनका कोई सानी नहीं है। ना सिर्फ वो सेहत के हिसाब से बहुत ज़्यादा सेहत बख्श होती हैं, बल्कि खाने में भी मज़ेदार होती हैं। हमने जो सिलसिला शुरू किया उसमें हम आपको मुख्तलिफ तरह के जो ब्रेकफास्ट होते हैं, जो नाश्ते होते हैं, जैसे हमारे मुल्कों में सुबह सुबह हलवा पूरी खाई जाती है, निहारी खाई जाती है, कुलचे खाए जाते हैं, छोले खाए जाते हैं, इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ अकसाम की ब्रेड्स हैं, क्रोसां हैं, इसके अलावा केक्स हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग शौक से खाते हैं। बर्लिन चूँकि मल्टी कल्चरल शहर है, यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर के लोग हैं, इसी तरह यहाँ पे वैरायटी भी उसी हिसाब से। तो आज हम आपको जो चीज़ दिखाएंगे वो है जर्मन नाश्ता। जर्मन यहाँ पे क्या नाश्ता करते हैं, चले चल के देखते हैं। सिर्फ इनकी ब्रेड्स में जो है इनकी स्पेशलिटी होती है, बल्कि इनके केक भी बड़े डिफरेंट होते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें किस किस तरह के जो है वो केक हैं। इसमें जो है ये इनके फ्रूट्स केक इनकी स्पेशलिटी होती है। पहले हमने दो लोगों के लिए जो है वो ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था, लेकिन जब हमें पता चला कि इतनी सारी चीज़ें हैं तो फिर हमने कहा कि नहीं, हमारे लिए फ़िलहाल एक ही काफ़ी है। आप देखें कि इनकी जो स्पेशलिटी होती है, चूँकि हम वेजिटेरियन हैं तो उसमें जो है इन्होंने चीज़ रखा है। ये देखिए, ये डिफरेंट तरह के चीज़ है, उसके साथ सलाद है, बटर है और जैम है। इसी तरह यहाँ पे जो है वो डिफरेंट, देखिए तीन तरह की जो है वो ब्रेड है, ये ब्रेड स्लाइस हैं, ये इनका बगेट है उसके स्लाइसिस हैं, और ये इनकी जो है वो ब्रोटचिन कहलाती है। तो ये ब्रेड है इनकी डिफरेंट तरह की। सुबह सुबह का टाइम है और बाहर सर्दी भी बहुत है और भूख भी बहुत लगी है, तो लिहाजा हम अपना नाश्ता शुरू करते हैं और नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छे से जो है वो जगह के साथ या अच्छे से जो है वो फ्रूस्टुक, इसको कहते हैं जर्मन में, इंग्लिश में ब्रेकफास्ट और उर्दू में नाश्ता, अच्छे से नाश्ते के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।